जो भी महिलाएं हो और जो भी बच्चे हो और जिन लोगों के ऊपर में अत्याचार हो रहा है और वो बंद होना है, शांति स्थापन होना है, इसके लिए हमने प्रार्थना के मीटिंग के आयोजन किया है। अलग अलग जगहों पर हो रहा है, परंतु एक छोटी सी कलीसिया है, हमने भी इसे ये कदम उठाया है। प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपना लहू बहा दिया, पर अपने ऊपर अत्याचार करने वालों को माफ करते हुए कहा था कि हे परमपिता परमेश्वर, इन्हें क्षमा करना, क्योंकि ये खुद नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ हो रहा है आज के हिंदुस्तान में, जहां देश के कुछ भागों में अभी भी हिंसा का दौर चालू है। इस हिंसा के बीच मारे गए एवं जख्मी हुए लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करने एवं शांति बनाए रखने के लिए वर्धा के CNI चर्च में सभी पदाधिकारियों एवं सदस्य की ओर से प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने शामिल होकर प्रार्थना कर सभी से शांति बनाए रखने की अपील भी की। CNI चर्च वर्धा के सदस्यों ने प्रार्थना मीटिंग के आयोजित किया है। हमारे आराधना के बाद बड़ी संख्या में इसमें लोग सहभागी हुए हैं, क्योंकि जो संवेदनशील बात और दुख की बात यह है कि ये मणिपुर में जिस तरह लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, विशेषकर महिला और बच्चों के ऊपर में और एक माइनॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर में, ये बहुत दुख की बात है और ये सबके नज़रों में है और हर व्यक्ति को मालूम है कि वहाँ पे क्या चल रहा है, विशेषकर सरकार को भी, परंतु नज़रअंदाज किया जा रहा है, क्योंकि वो जो रीज़न्स है हम सबको मालूम है और उसे बोलने में कोई मायना नहीं रखता है। परंतु बात ये है, वहाँ जो दुखी लोग हैं, समस्या से जूझ रहे, उनके लिए हम लोग ने यहाँ पे उनके प्रति हमने सॉलिडारिटी व्यक्त किए हैं, उनके लिए प्रार्थना किए हैं, क्योंकि वहाँ के जो क्रिश्चियन लोग हैं जिनके चर्चेस जलाए गए हैं हंड्रेड्स के संख्या में, और वो लोग रोड्स के ऊपर में, जंगलों में और सरकार के कैंप्स में आज प्रार्थनाएं और वर्शिप कर रहे हैं। ये हमारे लिए सोच की बाहर की बात है और हम सोच ही नहीं सकते कि ऐसा इस देश में, जो धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ पे एक माइनॉरिटी के ऊपर में इस तरह की समस्याएं आएं। हमारे चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के सिनर्ड ने बहुत बड़ा कदम उठाया, क्योंकि 2/3 ऑफ इंडिया ये चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के नीचे आता है, और उन्होंने सारे देश में इस प्रकार की जो सॉलिडारिटी मार्चेस और उसी प्रकार प्रार्थनाएं आयोजित किया है, और उससे जो संलग्न संस्थाएं हैं उन्होंने भी इस तरह के काम किया है और सिग्नेचर कैंपेन्स करा है, ताकि शांतिपूर्वक सरकार इस बात को और इस समस्या को हल करे। ये हो रहा है और अभी भी। देश के मणिपुर में हुई हिंसा की घटना से पीड़ित महिलाओं एवं बच्चों की परमेश्वर रक्षा करे एवं वहां पर शांति व सुव्यवस्था बनी रहे, इसी कामना के साथ वर्धा के CNI चर्च के सभी पदाधिकारियों ने प्रार्थना की। इस अवसर पर सभी ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि इसका असर दूसरे राज्यों में ना हो, इसका पुलिस और प्रशासन ने ध्यान रखने की आवश्यकता है। जरूरत इसलिए पड़ रही है आंदोलन करने की कि मणिपुर में जो हिंसात्मक कार्रवाई हो रही है, औरतों को नग्न करके उठाया जा रहा है, जो इंसानी मानवीय हीनता का एक परिचय है, लोगों की बुद्धि भ्रष्ट की गई है या हुई है, और जब ये हादसा हो रहा था, ये जब कर रहे थे, तो वहाँ की सरकार और सरकारी पुलिस क्या कर रही थी? जब ये वायरल हुआ वीडियो, किसी ने किया, तो सुप्रीम कोर्ट का अगर संज्ञान लेना पड़ना पड़ रहा है, तो सरकार क्या कर रही थी? सरकार ने सबसे पहले एक्शन लेनी चाहिए थी, और इस पर ना कोई बड़े बड़े नेता कुछ बात कर रहे हैं, ना कोई प्रधानमंत्री बात कर रहे थे उस वक्त, ना कोई किसी गृहमंत्री ने कोई समाचार दिया था या खबर ली उनकी। तो ये मैं समझता हूँ कि हमारे देश में सांप्रदायिक हिंसा एक अहम मुद्दा बन चुका है। जहाँ देखो वहाँ एक सांप्रदायिकता हो रही है, ये क्यों हो रही है? पहले नहीं होती थी, अभी सिर्फ ये कहा जा रहा है कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, और ये ऐसा है, ये मतई है, ये कुकी है, इसकी ज़रूरत क्यों आन पड़ी?
आप गहराई से सोचें, सरकार ने इस पर एक अहम विचार करना चाहिए और अपना एक्शन लेना चाहिए, एक अच्छी एक्शन लेनी चाहिए जो दोनों समुदाय के लिए, दोनों समुदाय के लिए, और जिसकी इसका असर दूसरे राष्ट्रों में, दूसरे राज्यों में ना हो, इसका विशेष तौर पर ख्याल रखना चाहिए। पहा मणिपुर है आपला भारत मधला राज्य है, ते काही वेगळे नाही आहे। तिथे विशिष्ट समाजावर जेव्हा अत्याचार होऊन राहिलेला आहे, त्यासाठी आवाज उतरायला हे आमचं कर्तव्य आहे। आमचे ख्रिश्चन बांधवांवर जो काही अत्याचार होऊन राहिलेला आहे, तो सरकारने त्यामध्ये जातीने लक्ष घालून ते थांबावं ही आमची प्रामाणिक इच्छा आहे, आणि सरकारने आपलं कर्तव्य पार पाडावं, त्याच्यामध्ये भेदभाव वगैरे ठेवून न ठेवता सर्व आपल्या राज्यामधले, आपल्या देशामधले एक आहेत, ह्या दृष्टिकोनातून सरकारने त्यांच्याकडे लक्ष घालून तिथलचा जो त्यांचा छळ चालू आहे तो तरी थांबावा अशी आम्ही आमच्या सरकारला विनंती करत आहे। आणि त्याचप्रमाणे त्या ठिकाणी जे लोक सतावले गेले आहेत त्यांच्यासाठी प्रार्थना करायचं ही आमची एक जबाबदारी आहे। हे आपले भाऊबंद आहेत, त्यांच्यावर अत्याचार होत आहेत, त्यांच्या विषयी आपण आवाज उचलून सरकारला जागृती करावी, त्याचप्रमाणे आपल्या लोकांमध्ये जागृती करावी, आणि त्यांच्यासाठी परमेश्वराजवळ आमच्या सत्तेच्या ह्या व्यक्त करण्यासाठी आज आम्ही वर्धा ह्या CNI चर्चमध्ये हा एक प्रार्थना सभेचा कार्यक्रम घेतलेला आहे। आणि आमचा सर्वांचा त्या मणिपूरच्या लोकांच्या बाबतीमध्ये त्यांच्या त्यांना आमचा पाठिंबा आहे, आणि लवकरात लवकर तिथं शांतता स्थापित व्हावी ही आम्ही प्रभुचरणी प्रार्थना करत आहे। और मैं एक ईसाई धर्म से बिलीव करती हूँ और हमारे प्रभु यीशु मसीह को यही प्रार्थना करूँगी कि आपस में भाईचारा रहे मणिपुर में। जो वरिष्ठ लोग हैं उन्होंने इसमें ध्यान दे, वो मणिपुर की स्थिति जो है उसके ऊपर विशेष तौर पे ध्यान देना चाहिए, और वहाँ पे शांति और एकता, भाईचारा कैसा बनाए रखे उसके लिए उन्होंने प्रयत्न करने चाहिए। और मैं भी हमारे प्रभु यीशु मसीह से यही प्रार्थना करना चाहूँगी कि मणिपुर में भाईचारा रहे, जातीय जो दंगल फैली हुई है वो समाप्त हो, और सब में एकता और समानता वहाँ पे मणिपुर में वास करे और मणिपुर में शांति हो, उसके लिए मैं प्रार्थना करना चाहूँगी। बहरहाल समुदाय कोई भी हो, पर जब ऐसी हिंसा होती है तो इसका नुकसान सभी को होता है। हिंसा करने व हिंसा को बढ़ावा देने वालों को इसका क्या फायदा होता होगा ये तो वही जाने, पर इससे सबसे ज्यादा भुगतमान उन महिलाओं एवं बच्चों को भुगतना पड़ता है जो हिंसा की चपेट में आ जाते हैं। ऐसी हिंसा की आग दूसरे राज्यों में ना फैले, इसके लिए सरकार एवं पुलिस प्रशासन ने भी ध्यान रखना चाहिए, और सभी समुदाय के लोगों ने भी आपसी चारा बनाए रखते हुए अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। वर्धा से स्टीवन रॉबर्ट के साथ ग्राउंड रिपोर्ट, कृष्णा यादव।